अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ख्याल रखने के साथ साथ आप अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे और स्किन का ख्याल रखते रखते आप अपने फेस पे कर रहे होंगे बहुत सारे केमिकल्स यूज़। तो मैं एक बहुत ही ऑर्गेनिक बंदी हूँ, मुझे बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद हैं, चाहे वो वेट लूज के टोटके हों या फिर आपकी स्किन को लेकर हों या आपकी लाइफ स्टाइल को लेकर हों। तो जी, मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करती हूँ और मैं घर पे बहुत सारे फेस पैक बनाती हूँ। बनाना फेस पैक आपने मेरे इंस्टा पेज पे भी देखा होगा। तो अभी मुझे एक कंपनी मिली फाइनली इंस्टाग्राम पे, जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुकी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त उनका रिज़ल्ट है। मैंने बहुत सारे रिज़ल्ट को फॉलो करते हुए, मेरी कुछ फ्रेंड्स ने यूज़ किया तो मैंने मंगवा लिया है अपने लिए फेस पैक। और 3 टाइप्स ऑफ फेस पैक मैंने मंगवाया है फीवर कॉस्मेटिक्स से, जो कि है बहुत ही ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। और उसके बाद जी, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट है नहीं, बेनिफिट्स हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप जब भी अपने फेस पे यूज़ करते हैं उसके नुकसान नहीं होते हैं, उसके फ़ायदे ही होते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पाकिस्तान के इन्वायरमेंट्स को लेकर लोग समझते हैं कि शायद उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा, उसका रिज़ल्ट आता है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। बस शर्त ये है कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। रेगुलर बेसिस पे अगर आप फेस वॉश भी नहीं करते हैं तो थोड़े दिन बाद आपका फेस डल होना शुरू हो जाता है, स्किन टैन होना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए अगर कोई भी चीज़ आप रेगुलर बेस पे यूज़ नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये है जी मेरा बिल, जो कि आ चुका है मुझे फीवर कॉस्मेटिक्स से। और मैंने मंगवाए हैं 3 टाइप्स ऑफ फेस मास्क। फेस मास्क आपकी स्किन को टाइट करते हैं, ग्लो देते हैं, स्किन की डलनेस को ख़त्म करते हैं, पोर्स में जो डर्टीनेस हो जाती है, गंदगी भर जाती है, आपकी कुकिंग करते हुए, आपके डस्टिंग करते हुए, आपके घर के काम करते हुए स्किन टैन हो जाती है और सन टैन हो जाता है, ये सब की सब चीज़ें आपके फेस पैक से कवर हो सकती हैं। तो ये है जी, जो आपके पॉलर पैक होते हैं 950, 1250, 2250, जिसको आप कहते हैं रिच क्वांटिटी में, वो आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आ जाते हैं 999 में डील इन 5, जो कि आपको 5 टाइप्स सभी टाइप्स के मास्क जो हैं आपको मिलेंगे 10 ग्राम्स में, वो भी 999 रुपीज़ में। तो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। एक मास्क आपको 200 का मिलेगा और वो भी फ्री डिलीवरी के साथ। इससे ज़्यादा अच्छी ऑफर मुझे कहीं नहीं मिली कि आपको एक फेस मास्क, इतने में आपको शीट मास्क नहीं आता है और अब आपको आ रहा है ऑर्गेनिक मास्क। तो मेरा ख्याल से बेस्ट 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 ऑफर है। अभी आ जाते हैं मैंने कौन कौन से मास्क मंगवाए हैं जी। अर्जेंट जर्नी फेस मास्क, क्योंकि आपको अर्जेंट कभी भी कहीं पे जाना हो, आपके पास फेशियल का टाइम नहीं है, आपके पास कहीं पॉलर जाने का टाइम नहीं है, फेस रजीम करने का टाइम नहीं है, तो आप ये मास्क यूज़ करें और अपनी स्किन को अच्छा सा ग्लो दें और उसके बाद अपना मेकअप करें और रेडी टू गो। तो ये है जी, ये देखिए, ये स्किन को आपको ब्राइट करता है, शाइनी करता है, स्मूथ करता है और आपके जो है वो स्किन को क्लिनजिंग करता है, ऑयल कंट्रोल करता है। इसमें उपटन है, इसमें और भी बहुत सारी ऑर्गेनिक पाउडर, सिनेमन पाउडर है, लेमन पील पाउडर है, वाइट एक्सट्रैक्ट है और इसके बाद ये हिडन बहुत सारे हर्ब्स इसमें ऐड हैं, जो कि 100% ऑर्गेनिक हैं। मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करने के बाद ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैं अपने व्यूवर्स को किसी किस्म की कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ, जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो, मुझे बेनिफिट हो। तो मैं आपके लिए भी एक अच्छी सी वीडियो लेकर आती हूँ। तो ये हो गया जी हमारा अर्जेंट जर्नी फेस मास्क, जो कि मैंने मंगवाया है। इसके बाद आपको सम टाइम नाइट रिजीम भी चाहिए होती है, आपको नाइट में कभी दिल करता है कि चलो स्किन को थोड़ा पैम्पर कर लेते हैं, तो मैंने मंगाया है ओवरनाइट फेस मास्क, जो कि आपके स्कार्स को हटाएगा, ड्राइनेस को कम्प्लीटली ख़त्म करेगा, सन टैन को ख़त्म करेगा और आपकी स्किन टोन को जो है एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट दे देगा। अब इसके इंग्रेडिएंट्स भी आप देख सकते हो कि सभी के सब ऑर्गेनिक है, कोकोनट पाउडर है, सी सॉल्ट है, कॉफ़ी पाउडर है, नीम पाउडर है और जो ऑरेंज पील है, पोटैटो पील है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आप सब कलेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से, सभी एक पाउडर बनाकर नहीं रख सकते। तो जब आपको बना बनाया एक अच्छे से रेट में मिल जाए तो मेरा ख्याल से एक बहुत ही अच्छी ऑफर मुझे लगी, तो मैंने मंगवा लिया। जो लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने मंगवाया है चंदा मामा यूथ ग्लो फेस मास्क, जिसकी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो, आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, लाइट करता है आपके डार्क स्पॉट को, स्किन को शाइनी एंड स्मूथ बनाता है, ब्राइट करता है और जी आपकी टोन को भी प्लस करता है, मतलब आपको गोरा चिट्टा खूबसूरत बना देता है। तो जी ये भी मैंने मंगवाया, तीनों प्रॉपर्टीज़ के मैंने मास्क मंगवाए हैं। इसके बाद ही इसके भी आप, अगर आप इसके संदल पाउडर है, इसमें रोज़ पील पाउडर है, कोकोनट पाउडर है, ऑरेंज पील पाउडर है और जिसमें बहुत सारे हिडन हर्ब्स हैं, एलोवेरा पाउडर है, जो कि आपकी स्किन को बहुत ही खूबसूरत एंड ब्राइटर टोन बना देते हैं, जिनको खूबसूरत ग्लोई स्किन के साथ साथ थोड़ी टोन भी अपनी बेहतर करनी है, उनके लिए मास्क है,
देखिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको रोज़ यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलता है। अगर आप रोज़ यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेटली आप लोग बिजी होते हैं, मैं भी बिजी होती हूँ, इसलिए आप वंस अ वीक की बजाय 2 times a week या 3 times a week ज़रूर यूज़ करें इन सब चीज़ों को। ऑर्गेनिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कुछ भी किचन से, मतलब आप वेजिटेबल उठाएं, आप टमेटोज यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पर, आप योगर्ट और जब आप इसमें ऐड करेंगे क्रीम तो उसके जो ग्लो आपकी स्किन पे आएगी तो आप अमेजिंगली इम्प्रेस हो जाएंगे। तो अगेन से मैं आपको दिखा दूं कि ये हैं जी 3 masks जो कि मैंने मंगवाए हैं और फर्स्ट टाइम जो मैं बनाने वाली हूँ आपके सामने। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन सा बनाऊँ, क्योंकि तीनों के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तीनों के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनको यूज़ करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं इसको यूज़ करने के बाद ही एक वीडियो बना के आपको रिव्यू देने वाली थी। तो मैंने बनाया कौन सा मास्क, आप सबसे पहले गेस करें और मुझे कमेंट में बताएं कि मैंने कौन से वाला मास्क बनाया होगा। तो जी इन सब मास्क में से मैंने क्या सोचा, कौन सा मास्क बनाया, मुझे कमेंट में बताएं, जल्दी करें इससे पहले कि मैं जल्दी से खोल लूं और आपको बता दूं कि कौन सा मास्क है। तो जी मैंने फाइनल किया है ओवरनाइट फेस मास्क, क्योंकि ये वीडियो मैं रात के टाइम पर बना रही थी तो मैंने सोचा कि रात वाला फेस मास्क यूज़ किया जाए। तो ये है जी ओवरनाइट फेस मास्क और इसमें जी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड और मिक्स हर्ब्स ऐड, और अभी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। इसको सबसे पहले खोल के मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखा देती हूँ। अगर मैं और मेरी सिस्टर, मैं अपनी सिस्टर के लिए भी बनाने वाली हूँ और अपने लिए बनाने वाली हूँ, दोनों यूज़ करने के बाद भी इसकी क्वांटिटी इतनी अच्छी है, यानी कि ओनली 1 tablespoon आपने एक फेस के लिए यूज़ करना है, तो इनमें इसमें अच्छी खासी क्वान्टिटी है कि मैं पूरा मंथ भी एक मास्क यूज़ करूं 2 times a week में, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अमाउंट है ये। तो जी ये आगे मिक्स हर्ब, जब मैंने इसको ओपन किया था तो मुझे इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी बकायदा जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी, के आपको पता लग रहा था कि एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपके पास आई है। और आपको जब मैंने फेस पे इस पर अप्लाई भी किया था तभी मुझे बड़ी तेज़ सी खुशबू आ रही थी। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमें योगर्ट चाहिए, क्रीम चाहिए एंड चाहिए रोज़ वाटर। हम ऐड करने वाले हैं 2 tablespoon ये मास्क, क्योंकि मुझे और मेरी सिस्टर को लगाना है, दोनों के फेस पे अलग अलग रिज़ल्ट आएंगे तो आपको बता सकूंगी कि बेहतर रिज़ल्ट आया है या नहीं। तो जी ये 2 tablespoon मैंने ले लिया है, अभी और ज़रूरत होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया है, इसकी अमाउंट लिखी नहीं हुई तो अपने से अंदाजे से ऐड करना है, और रोज़ वाटर को कम से कम ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स करने के बाद इसकी जो थिकनेस है उसके हवाले से आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। तो मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो मैंने थोड़ा पाउडर और ऐड कर लिया, आप थोड़ा और थिक बनाइएगा। तो ये देखिए जी इस तरह से इसको कर लिया मिक्स, और मिक्स करने के बाद आपने इसको करना है अप्लाई अपनी स्किन पर इस तरह से, थोड़ा थिक सा। ये मेरा थोड़ा सा पतला बना था, थोड़ा सा और थिक बनाने की कोशिश करना, सेकेंड टाइम में बेहतर बनेगा और अपनी स्किन को खूबसूरत एंड फ्रेश बनाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका रिजल्ट, में स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो आई है, टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जैसे ही आप इसको रिमूव करें इसके बाद आप अपने फेस पे करें रोज़ वाटर का स्प्रे, और मुझे बताएं अगर आपने इसको ऑर्डर किया है और अगर आपको इसका रिजल्ट अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी इंस्टा स्टोरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।